तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रिमिक्स ओएस के बारे में बताने वाला हूँ। जब भी मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिमिक्स ओएस में इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन बनाऊंगा, इंस्टॉलेशन मेथड, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। अगर आपको अपने पीसी में रिमिक्स ओएस इंस्टॉल करना है तो ये मेरा वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं री टेक्निकल। चलिए दोस्तों, चलिए अब रिमिक्स ओएस इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको रिमिक्स ओएस डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे दो लिंक पे, अगर आपको नॉन रूटेड चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको रूटेड चाहिए जो हैक्ड एडिशन है, इसमें प्ले स्टोर अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सजी डेवलपर से। मैं इन दोनों का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो हार्ड डिस्क है उसको आपको 10 GB सेपरेट ड्राइव बनानी है। अगर आपको ड्यूअल बूट पे चलाना है, अगर आपको स्टैंड और इंस्टॉलर करना है, तो आप जिसमें आपकी विंडोज है उसको फॉर्मेट करके आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्यूल बूट पे करूंगा, तो मैं यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मिनी टूल पार्टीशन रिकवरी, जो कि मैंने यहाँ से पहले से डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है, और उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ से अब इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद लॉन्च एप्लीकेशन कर लीजिए। लॉन्च एप्लीकेशन करने के बाद ये कुछ आप दिखेगा। आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जो मेरी 10 GB की ड्राइव है, जिसमें मैं रिमिक्स और ड्यूल बूट पे चलाने वाला हूँ, उसको मैं यहाँ पे ड्राइव बना लेता हूँ जो कि 10 GB की है। 10 GB की ड्राइव बनाने के बाद मैं इसको लेबल दे देता हूँ, यहाँ से रिमिक्स ओएस, इसको मैंने लेबल दे दिया। अब यहाँ से 10 GB की ड्राइव बन गई। यहाँ से मैं अपने ऑपरेशन अप्लाई अप्लाई करने के बाद देख यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं पार्टीशन जो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं यहाँ से अपना पीसी जो ड्राइव यहाँ पे रिमिक्स ओएस के नाम का पार्टीशन आ चुका है। अब मैं आपको ये इंस्टॉलेशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब रिमिक्स ओएस डाउनलोड करेंगे वो आपकी जिप होगी कुछ ऐसी फाइल की। इसको मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आपका जहाँ करें वहीं एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो मैं ऐसे वीडियो तो स्किप नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपकी टाइम भी ले सकता है जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे, आपको इसमें यूएसबी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, आपको अपने 10 GB की एक सेपरेट ड्राइव बना लेनी है अगर आपको ड्यूल बूट पे चलाना है, और अगर आपको नॉर्मली यानी जो एक ही रिमिक्स ओएस चलाना है तो अपनी जहाँ पे आपकी विंडोज इंस्टॉल है उसको फॉर्मेट करके आप इसमें ये इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको रेफर आपके पास विंडोज डालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अगर विंडोज आपकी विंडोज पे खतरा आ सकता है, क्या पता वो क्रैश करने लग जाए, डाल भी नहीं पाए आप और आपका पीसी डेड हो जाए। तरीके से अगर हालांकि आपका पीसी डेड भी होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं आपको ड्यूल बूट के बारे में बताऊँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा एक्सेशन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ये होने वाली है, बस ये कुछ 61% के आसपास हो गए, 63। और अगर आप इस वीडियो को देख के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना ना भूले, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अभी बस यहाँ से इंस्टॉल हो रही है। बस ये अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आ गया है रिमिक्स ओएस के नाम से, तो मैं इसको यहाँ से खोलूंगा। इसमें दो फाइलें मिलेगी, एक तो है जी रिमिक्स ओएस जो लगभग 2.51 GB का होगा, और रिमिक्स ओएस इंस्टॉलर जो आपका बूट बनाता है उसको। अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूंगा, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूंगा। अभी आप कुछ देख सकते हैं ओपन हो चुका है। आपको जो ड्राइव है उसका ड्राइव लेटर डी है, तो मैं यहाँ से इसको डी सिलेक्ट कर दूंगा। आपका कुछ और भी हो सकता है तो आप डी सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ से जो मैंने आपको दो फाइल दिखाई जो ये रिमिक्स ओएस की है, अब इस फाइल में आपको वो सिलेक्ट है।
अब वो सिलेक्ट करने के बाद जो डी ड्राइव है हार्ड डिस्क सिलेक्ट ही कर रखी है, अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब आपको बोलेगा फॉर योर सीपीयू प्लीज मेक श्योर 32 बिट वर्जन है। अब मैं यहाँ पे 64 डाल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को प्रेफर कर रहे हैं कि आप 32 बिट डालिए, लेकिन मैं 64 बिट डालूंगा। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से एक फाइलें कॉपी हो रही है, तो मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो स्किप कर दूंगा। तो यहाँ से तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम यहाँ पे जो मैं मीडिया बना रहा था इंस्टॉलेशन मीडिया, वो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से मैं अपना वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को रिबूट करना है। और रिबूट पे आप जानते हैं कि स्क्रीन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हो नहीं पाएगी, तो मैं आपको यहीं से ही दोबारा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से अपना, तो दोस्तों आप जब उसको बूट करने के बाद रिबूट पे क्लिक कर देंगे, रिबूट करने के बाद अगर आपकी विंडोज 10 है तो ये यहाँ पे चूज ऑपरेटिंग सिस्टम करने को बोलेगा, और आपकी विंडोज 7 है तो जो आपका कंपनी का लोगो है, जो बोर्ड का लोगो है, उसके बाद ही बोलेगा। यहाँ पे मेरी विंडोज 10 का केस है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आप रिमिक्स सोर्स पे क्लिक कर दीजिए। रिमिक्स सोर्स पे क्लिक करेंगे अगर जो पीसी है रिबूट हो जाएगा, जैसा कि मेरा पीसी होने ही वाला है। अभी यहाँ से रिबूट हो गया, रिबूट होने के बाद ये अपना रिमिक्स सोर्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आप ये देख रहे हैं प्रेस एस्केप टू एंटर, तो वो नहीं होगा। उसके बाद इनिशियलाइजिंग, यहाँ पे आपको इनिशियलाइजिंग दिखाया गया। मैं यहाँ से अपना थोड़ा वीडियो स्किप करूँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ से वीडियो स्किप कर रहा हूँ, तो अभी ये मेरा 96% 97% ये इंस्टॉलेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो स्किप कर दी ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए और आपको भी टाइम वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप रन हो जाएगा, अपने आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कुछ टाइम में आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है। रन होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम बूट है, तो थोड़ा 2 से 3 मिनट लेगा। तो यहाँ से आप देखते रहिए कि भी होने वाला है। हाथ आ जाता साला। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब ये जैसे एंड्रॉइड रीसेट करने के बाद वो आता है, तो यहाँ पे भी ये सेटअप दिखाएगा, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा मैं। अब ये एग्रीमेंट के लिए बोलेगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा, स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद अभी ये ऑलमोस्ट रेडी, रिमिक्स ऑलमोस्ट रेडी। अब जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये कुछ वैसे ही अब दिखने लग गया है। तो यानी कि आपके जो पीसी में है ड्यूअल बूट पे, आप देख ही सकते हैं बूटेड सुपर यूजर इंस्टॉल्ड है। अमेजोन मार्केट अलग से डाल रही है, साइनजन मोड के एप्लीकेशन है, जैसे कि ब्राउजर, ऑडियो इफेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्विक्स हैं जो कि एक्सजी डेवलपर्स ने की है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो में समझ आ गया होगी रिमिक्स वर्स कैसे डालते हैं, और अगर नहीं भी समझ आया तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने री टेक्निकल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे टेक वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।